गाइस आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा बैकग्राउंड कलर चेंज वाली टिकटॉक वीडियो कैसे बनाते हैं लाइक कुछ इस तरीके से। तो गाइस अगर आप टिकटॉक चलाते हो तो टिकटॉक पे आपने बैकग्राउंड कलर चेंज वाली टिकटॉक वीडियो बहुत सारी देखी होंगी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर जो है चेंज वाली वीडियो बनाई हैं और टिकटॉक पे अपलोड की हैं, तो उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी लोग वॉच कर रहे हैं और उन पे व्यूज़ भी आते हैं और लाइक्स भी आते हैं। आपने यहाँ पे ये नोटिस ज़रूर किया होगा, अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर वाली चेंज वाली वीडियो देखी होगी टिकटॉक पे तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि उस वीडियो पर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं उसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से बैकग्राउंड कलर चेंज वाली टिकटॉक वीडियो कैसे बना सकते हो और आप अपने टिकटॉक पर अपलोड करके वहाँ से बहुत सारे लाइक्स और व्यूज़ ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप देख रहे हैं मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको 9:60 का रेशियो लेना होगा और आपको अपने वीडियो मतलब एक रिकॉर्ड तो कर ही लेनी होगी। टिकटॉक पर जैसे नॉर्मल करते हो वैसे टिकटॉक पर अपलोड कर दीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए अपनी गैलरी में और उसे प्राइवेट कर दीजिए। इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक जो है रियाज है तो उसकी वीडियो मैंने यहाँ पर ली है, तो मैंने उनकी वीडियो को मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस तरीके से। तो आपको करना क्या होगा, इनकी वीडियो ना लेके आपको पहले क्या करना होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मीडिया पे क्लिक करना होगा, बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको जो है जैसा भी बैकग्राउंड लेना है वैसा आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसका कलर है वो मैं यहाँ से जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन रख लेता हूँ इसे। और इस तरीके से आपको करना होगा और ग्रीन रखने के बाद मैं यहाँ से आपको और भी जो है कलर मैं यहाँ पे एक लेयर और फिर से ले लेता हूँ। तो मीडिया पे फिर से क्लिक करते हुए बैकग्राउंड ले लेता हूँ ब्लैक और इसका भी मैं कलर चेंज कर लूँगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको लगभग यहाँ पे जितने कलर आपको मतलब दिखाने हैं वीडियो में उतने कलर आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे छोटा सा कर लेना होगा, आप मतलब जितनी स्पीड से कलर चेंज करना चाहते हैं उतनी स्पीड से आप जो है यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सभी को सेट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। इसके बाद लेयर पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करना होगा और आपने जो वीडियो को रिकॉर्ड करके डाउनलोड किया है टिकटॉक से वो यहाँ पे आपको ले लेनी होगी। तो यहाँ से मैंने टिकटॉक पे रियाज की वीडियो को ले लिया है यहाँ से और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमा की का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होगा, बस नॉर्मली इसे इनेबल कर देना होगा। बस आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कलर चेंज हो रहा है, तो आप भी यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। यहाँ पे और भी सेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपको करना होगा और करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमा की फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको इसे एडजस्ट करना होगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करूँगा तो आपको भी इसी तरीके से एडजस्ट करना होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो को चला के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियो में एकदम कमाल तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मतलब वीडियो में बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो और टिकटॉक पे अपलोड करके वहाँ से बहुत सारे लाइक्स और व्यूज़ ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस वीडियो पे आपको एरो पे क्लिक करके यहाँ पे इस वीडियो को आपको फुल HD में एक्सपोर्ट कर लेना होगा और आपको अपने टिकटॉक पे अपलोड कर देना होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है वीडियो में या एडिटिंग में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपकी वहाँ पर हेल्प कर दूंगा और आपको तुरंत से रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।